Okay, students, so now we are going to discuss chapter 8, air and air pollution. तो एटमॉस्फेयर क्या है, दी गैसेस दैट एनवेलप दी अर्थ, जो सराउंडिंग अर्थ है. अब इसके बारे में कहा यह जाता है, इसकी आपके पास डॉक्यूमेंट्री भी शेयर्ड है, ठीक है, उसको एक बार जरूर उसके पहले कुछ मिनट जरूर देख लें एटलीस्ट स्टार्टिंग उसकी, तो आपको ये ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ठीक है, और कैसे लेयर्स हैं इसकी और वहां क्या क्या होता है उन लेयर्स के ऊपर. तो बेसिकली इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ टू द मून, और कुछ का कहना है कि नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता 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 ये मार्स तक एक्सटेंड करता है. सो नोबडी इज क्लियर, कोई कुछ कह नहीं सकता कि कितना ये लॉन्ग है, लेकिन जो 99% है जो इसके अंदर एटमॉस्फेयर है वो इसी पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर है, जो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. मेजोरिटी इसकी नाइट्रोजन है और फिर इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन और बाकी फिर एरागॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं. नाउ ओवर हियर यू कैन सी द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये चार लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की. सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर हम रहते हैं, ये सारा हैबिटेबल एरिया है. ये तकरीबन 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है इसकी, इक्वेटर के ऊपर यूजुअली जो है थिकनेस एट द पोल जो है वो इसकी तकरीबन 8 किलोमीटर तक चली जाती है, लेकिन यूजुअली जो है वो 12 से 16 के दरमियान में होती है बाकी अर्थ के ऊपर.